वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक और नए व्लॉग के साथ आया हूँ मैं आपके सामने। और आज हम लोग जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर। जी हाँ, गणपति पापा के मंदिर जा रहे हैं, जो कि यहाँ सबसे फेमस, सबसे पुराना वही मंदिर है। यहाँ पे सारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे, फिल्म के, बॉलीवुड के जितने भी सुपरस्टार हैं वहाँ दर्शन करने हमेशा आते हैं। कोई नई फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो मन्नत मांगने जाते हैं कि उनकी फिल्म हिट हो जाए। और बाकी यहाँ लोकल लोगों की भी श्रद्धा है, मतलब सारे हिंदुओं की श्रद्धा तो है ही उनके साथ, इन लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा है। और अभी कुछ दिनों बाद ही गणपति जी का त्यौहार बस लग ही गया है, मतलब 4 से 5 दिनों बाद गणेश चतुर्थी है और उसके बाद से यहाँ के माहौल ही कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं उसके पहले यहाँ से मुंबई छोड़ कर जा चुका हूँगा, तो चलिए चलते हैं सिद्धिविनायक मंदिर। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। अगर आप भी मुंबई घूमने आए हैं और आपको भी जाना है सिद्धिविनायक मंदिर, तो किस तरह से सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा जाए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फाइनली हमारा YouTube वेरिफिकेशन कोड आ चुका है और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद और आप सबके प्यार की वजह से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप मुंबई के किसी भी कोने में हैं और आपको जाना है सिद्धिविनायक मंदिर, तो उसका सबसे सस्ता और आसान तरीका है लोकल ट्रेन के थ्रू। तो इसके लिए आप अपने सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाएं और वहां से पकड़े एक लोकल जो कि दादर वेस्टर्न की तरफ जाती हो या फिर दादर स्टेशन तरफ जाती हो। ये ध्यान रखिएगा, आपको दादर वेस्टर्न से एग्ज़िट लेना है और दादर वेस्टर्न के एग्ज़िट गेट पे ही आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी जो आपको 25 से 30 रुपये में छोड़ देंगी सिद्धिविनायक मंदिर के जस्ट सामने। तो हम लोग आ गए हैं सिद्धिविनायक मंदिर के एंट्रेंस पे और ये है वो एंट्रेंस। तो वो रहा मेन एंट्रेंस और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने प्रसाद के साथ। जैसे मैंने बताया था, ये है रिद्धि सिद्धि जी के लिए और ये है प्रसाद हमने लिया था गणपति जी के लिए और ये फूल लिया था हमने गणपति जी के लिए। अब इधर से आगे जाना है और उसके बाद से हमें अंदर जाना है। चलिए अंदर जाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। पूजा के लिए फूल और प्रसाद आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो आपको वहाँ भी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। और जूते चप्पल रखने के लिए सुविधाएं फ्री हैं अंदर। मेन एंट्रेंस से आप अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये वाली सेवाएं मिल जाएंगी अलग अलग स्टॉल्स पे। तो यहाँ से अंदर जाना है हमें, ये लाइन लगी हुई है, उसी तरह दर्शन होंगे आगे। मैंने दर्शन किए थे सोमवार को, बाकी दिनों के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। वीडियो में मैंने पहले बताया था कि यहाँ सारी बॉलीवुड की हस्तियाँ आती हैं, साथ ही साथ क्रिकेटर्स भी आते हैं, सचिन तेंदुलकर हमेशा यहाँ आते रहते हैं, मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन तक यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। पप्पा के सामने सब छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है पप्पा से। लीजिए करिए दर्शन सिद्धि विनायक के गणपति बप्पा की, बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैंने सोमवार के दिन दर्शन किए थे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगे थे दर्शन के लिए। तो आप वीक डेज़ में अगर आते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आराम से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएंगे। वहीं वीकेंड्स में अगर आप आते हैं और मंगलवार के दिन आते हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं दर्शन के लिए। इसके लिए आप सुबह जल्दी आएँ, जैसे मंगलवार को आ रहे हैं तो आप सुबह 4-5 बजे यहाँ पहुँच जाएँ तो आपको दर्शन आसानी से और जल्दी हो जाएंगे। लेकिन उससे लेट आते हैं आप तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। मंदिर प्रांगण में ही हनुमान जी की भी प्रतिमा है, आप वहाँ भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मंदिर के बाहर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही प्यारे दर्शन थे। इतनी सुंदर मूर्ति है गणपति जी की, मतलब आप देखो तो आपका मन होगा, इतनी प्यारी मूर्ति, छोटे से ये मूर्ति। और उनकी सूंड जो है वो राइट साइड को मुड़ी, आप कभी भी किसी फोटो या किसी और मंदिर में देखेंगे तो उनकी सूंड जो है वो लेफ्ट साइड मुड़ी रहती है, इसमें इनकी राइट साइड मुड़ी है। दोनों साइड एक तरफ रिद्धि जी है और एक तरफ सिद्धि जी बैठी हुई है और बहुत बहुत ही शानदार, बहुत बहुत ही, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। और एक बात और बता दूँ, इस मंदिर के जस्ट पीछे है आपका लाल बाग। यहाँ पे लाल बाग के जो गणपति है, जो सबसे बड़ी मूर्ति रहती है, सबसे बड़ी झांकी रहती है गणेश चतुर्थी के समय, वो यहीं पीछे ही होती है। तो अभी वहाँ तो सब कंस्ट्रक्शन तरीके का कुछ चल रहा है, पंडाल वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ जाना भी अलाउड है नहीं। तो हम लोग, नहीं तो मैं वहाँ का भी दिखाता आपको। और
मंदिर से निकलते ही हमें झांकियां मिली गणपति जी की, जो अपने पंडाल की ओर प्रस्थान कर रही थी। पूरी मुंबई गणपति जी का स्वागत करने के लिए तैयार थी गणेश चतुर्थी के दिन के लिए। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? गणपति जी तो बहुत अच्छे थे, आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा हुआ ये ब्लॉग। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जो कि आएगा शायद बुधवार या फिर सैटरडे। रहिएगा आप तैयार, रहिएगा सैटरडे या फिर वेडनेसडे के दिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप